भीड़ में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद मोदी से मिलने आए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी को बोला, यू आर लुकिंग डैशिंग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, माई फ्रेंड मोदी दुनिया के बेस्ट नेता हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेकर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल तक मोदी मोदी करने लगे। रोम के रोम रोम में सिर्फ मोदी और मोदी ही छाए रहे। G20 समिट पे हुआ कुछ ऐसा कि सबको मोदी से मिलने की जल्दी थी। हर सुपर पावर मुल्क का नेता मोदी से मिलने पहुंच रहा था। दुनिया के दिग्गज मोदी के स्टाइल और उनके बॉडी लैंग्वेज के घायल हो गए थे। सबसे पहले बाइडेन को देखिए, बाइडेन मोदी के कंधे पर हाथ डालकर चल रहे थे। ये तस्वीर हिंदुस्तान में मोदी और बाइडेन के संबंध को लेकर अफवाह उड़ाने वालों के लिए एक करारा जवाब है। मोदी ने बाइडेन से मुलाकात की तो उनकी स्टाइल में बात की, जोश भरने वाले साइन के साथ। बाइडेन ने भी मोदी से हाथ मिलाया, गले से गले मिले, हंसी मजाक भी हुआ और दोनों के बीच बातचीत भी हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मोदी स्टाइल के मुरीद हो गए। मैक्रों ने मोदी के कंधे पर हाथ रखा, हंसकर गले मिलने के लिए लपक पड़े। इमैनुअल मैक्रों ने मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। ये G20 के मुख्य मंच की तस्वीर थी। प्रधानमंत्री मोदी G20 के मंच पर सेंटर में खड़े थे। बीच में मोदी, उनकी दाईं तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति और बाईं तरफ जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। अब सबसे जरूरी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। पीएम मोदी का रोम दौरा शुरू हुआ कैथोलिक समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप से मुलाकात के साथ। पोप से मिलने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां लाइन में खड़ी रहती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुलाकात का शेड्यूल सिर्फ 20 मिनट का था, पर जब पोप मोदी से मिलने आए तो मुलाकात 1 घंटे 12 मिनट की हो गई। पोप ने मोदी को एक खास तोहफा भी दिया। मोदी भी पोप के लिए विशेष तोहफा लेकर गए थे, कैंडल स्टैंड। इस तोहफे को पाकर पोप खुश हो गए। मोदी ने पोप को एक डायरी भी सौंपी जिसमें भारत में क्लाइमेट के बारे में देश के प्रयासों का जिक्र था। एक एक नेता से मिलने का अंदाज, नेताओं का मोदी तक पहुंचने की बेताबी, G20 के फ्रेम के सेंटर में मोदी को जगह मिलना, ये सब कुछ बता रहा था कि दुनिया में उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है। पीएम मोदी जब बोलते हैं तो दुनिया ठहर कर उन्हें सुनने को मजबूर हो जाती है। मोदी जब सुझाव देते हैं तो दुनिया उस पर अमल करती है। और जब मोदी ने G20 के मंच से बोला तो दुनिया के सुपर पावर मुल्क तालियां बजाने को मजबूर हो गए। एंजेला मार्केल और मोदी को लेकर भारत में तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। कहा जाता है मार्केल मोदी को पसंद नहीं करती, लेकिन G20 के मंच से मार्केल कैसे खुद मोदी से बात करने के लिए आ रही थी, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। यूं ही मोदी को ग्लोबल लीडर नहीं मानती दुनिया। अगर किसी को भी अब भी डाउट है तो G20 के मंच से सामने आई इन तस्वीरों को देख ले।